पैंट बताओ साइज कैसा है आपका। लेकिन हम यहाँ पे तब आते हैं जब अभी अंधेरा अंधेरा सा रहता है। मेरे से इधर इधर आइए, बताओ क्या कह रहे हो पीयू, बताओ। गुड मॉर्निंग गाइज, मेरे को 20 से 25 मिनट हो गया लेट उठने में। कहते हैं जी जिम पहुंच गए हैं, उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि मैं जिम जा रहा हूं, आप अपने बाइक से आ जाओ। तो मैं 20 से 25 मिनट लेट हूं, मेरे ख्याल से वो वार्म अप अपना कर लिए होंगे, तो मैं अब चल रहा हूं जिम में। कहते हैं जी पहले ही पहुंच चुके हैं। सो आज का एक्सरसाइज भी कम्प्लीट। हो मस्त 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 हवा लग रहा है कि नहीं, मजा आ गया। वैसे जिम में जब भी हम बाहर निकलते हैं तो बाहुबली वाली फीलिंग आती है, चेहरे पे पसीना देख के खुशी आती है कि हमने अचीवमेंट की है, राइट? यस 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 यस। अभी देखो ये सारा शहर सो के उठ रहा है, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये सारा शहर सो के उठ रहा है और हम अभी तक दुनिया को जगा चुके हैं। उठ के हमने ढेर सारी एक्सरसाइज कर लिया, देखिए धूप आ चुका है। लेकिन हम यहाँ पे तब आते हैं जब अभी अंधेरा अंधेरा सा रहता है। सो गाइज, गेटअप चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ इसके पीछे राज है। सो मैंने थोड़ा सा अपना गेटअप चेंज किया है और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। मैं थोड़ा सा जाऊंगा लेट सिटी फैक्ट्री जाऊंगा, लेकिन अभी अपनी कार काफ़ी गंदी हो गई है, तभी चलता हूं मैं अपना कार वॉश करने के लिए। तो गाइस सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी तक मैं फैक्ट्री गया हूं नहीं, लेकिन आज पहले जा रहा हूं इसलिए कल मैं काफ़ी लेट से फैक्ट्री गया था, जिसको वजह से काम काफ़ी कम हुआ। आपको पता है कि मालिक को फैक्ट्री में रहने से वर्कर अपने मनमानी से करते हैं, लेकिन जल्दी जा रहा हूं, लेकिन जल्दी ही आऊँगा। कॉच की साहित्य का यूनिफॉर्म अभी नहीं है और 6 तारीख से उसका स्कूल खुल रहा है, और 6 के पहले उसका मेरे ख्याल से 28 से 29 को उसका रिजल्ट लेने के लिए स्कूल में जाना है, तो उसके पहले उसके यूनिफॉर्म में 2 या 3 फोटो उसको भेजने हैं, ऐसा रिया बता रही थी, मुझे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म लेना है। तो अभी मैं जल्दी जा रहा हूँ और जल्दी ही आऊँगा, क्योंकि फिर मैं वहीं से मैसेज कर दूंगा रिया और की साहित्य को, तुम रेडी रहो यूनिफॉर्म लेने के लिए चलना है। तो फिर मैं जल्दी जा रहा हूँ और जल्दी आऊँगा, फिर हम लोग जाएंगे साहित्य का यूनिफॉर्म लेने के लिए। सो गाइस, जब मैं जा रहा हूँ साहित्य और रिया को लेके, साहित्य का यूनिफॉर्म दिलवाना है और मैं उधर से फिर फैक्ट्री जाऊँगा, 6 बज जाएगा, फिर 6 बजे से फैक्ट्री का ऑफ का टाइम होता है, फिर फैक्ट्री ऑफ करके वापस भी आ जाऊँगा, तभी चलते हैं फिर बुक शॉप सॉरी यूनिफॉर्म वाले शॉप पर, जहाँ पर साहित्य का यूनिफॉर्म मिलेगा, मैं वहाँ चल रहा हूँ। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अपना यूनिफॉर्म लेने स्कूल टाई घड़ी अन्याय नए नए स्कूल का शूज। नए नए स्कूल थोड़ी होता है, स्कूल तो आपका एक ही है, सेंट जेवियर। कौन सा स्कूल है आपका? सेंट जेवियर हाई स्कूल। हाँ, तो सेंट जेवियर के हाई स्कूल का आप यूनिफॉर्म लेने जा रहे हो, आप किस क्लास में आप जाओगे? केजी में तो आप हो ही, वन क्लास में आपको जाना है। वन क्लास में तो जाना है। हाँ, तो वन क्लास में जाओगे, तो अभी तक आपने स्कूल, जब से स्कूल आप, आपका नाम लिखा है तब से स्कूल आप गए हो? नहीं गए, पहली बार आपका स्कूल जाना है, इसीलिए आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो अभी हम जा रहे हैं आपका यूनिफॉर्म लेने के लिए, ठीक है? मार्च के बाद अप्रैल आए तो मैं आज स्कूल जा रहा हूँ। हाँ, 6 अप्रैल से आपका स्कूल जाना है, ठीक है? 6 अप्रैल। तो अभी हम चलते हैं साहित्य का यूनिफॉर्म लेने के लिए, लेट्स गो। म्यूजिक साहित्य पीछे वाले सीट पे बैठ के म्यूजिक एंजॉय कर रहा है, वो डांस कर रहा है नॉन स्टॉप। सो गाइज, हम पहुंच गए हैं जहां पे साहित्य का यूनिफॉर्म लेना है। ये है 7 फेज की मार्केट, ये किंग्सवे जो दिख रहा है, ये किंग्सवे द स्कूल यूनिफॉर्म पीपल, यहां पे इसका यूनिफॉर्म मिलेगा। तब चलते हैं, देखते हैं, यूनिफॉर्म लेते हैं। यार इतना क्राउड है यहाँ पे, आधा घंटा तो लगा ड्रेस ही लेने में, पूरा भीड़ ही भीड़ लगा हुआ है। इधर तो मेरे जमाने में नहीं लगता था भीड़, जबरदस्त भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। सारे स्कूल के ड्रेसेस इस दुकान में मिलते हैं, जैसे चंडीगढ़ मोहाली में जितने भी स्कूल हैं सबके ड्रेसेस यहाँ पे मिलते हैं। इतना रस कि पूछो मत। ये भी मेरे सोसाइटी के एक प्रदीप जी हैं, वो भी मिल गए थे, वो भी अपने बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस लेने के लिए आए थे। आधा घंटा लग गया, काफ़ी रास्ता बिल्कुल शोर शराबे के साथ। तो अब मैं चलता हूँ घर को, ड्रेस हमने ले लिया घर को, नहीं अभी मैं यहाँ से फैक्ट्री जाऊँगा, फैक्ट्री वर्करों को छुट्टी करूँगा और देन उसके बाद घर को निकलता हूँ। जा, एक चीज तो छूटी गया सहिता, अभी आपका स्कूल का शू लेना है, जूता तो लिया ही नहीं हमने, हैं? सो गाइस, जब हम जूता भूल गया, मैं जूता नहीं ले पाया, तो अब मैं चल रहा हूँ, सबसे पहले जूता लेता हूँ, फिर उसके बाद घर को निकलूँगा। चलो फटाफट जूता लेके आते हैं।
रिजल्ट नहीं, ये वाला शूज आपको आएगा, देखो जो अंकल बना रहे हैं ये, देख रहे हो स्कूल टाइम का, ये स्कूल टाइम का शूज है। ऊपर वाला बच्चों स्कूल है। क्या ऊपर वाला छोटा है थोड़ा? देखो ये आगे पहनो, चलो देखो ये देखो आप पहन, बताओ साइज कैसा है आपका? साइज है हाँ बड़ा लगेगा, छोटा हो रहा है, काफी लंबा है। ये आगे यहीं पे सो गया ये, चलो उठो उठ के बैठो, उठ के बैठो, चलो उठ के बैठो, दूसरा शू आगे, दूसरा शू आगे, जल्दी उठ के बैठो। ये दूसरा वाला शू है, ये दूसरा शू है, ये आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा देखो। ये भी छोटा है? नहीं छोटा, पहले चेक तो करके देखो। चेक नहीं आएगा। क्या पेट नहीं आया? आ जाएगा, आ जाएगा, पहले अब देखो। मैं एक दो तीन चार, पैर नीचे करो, पैर नीचे करो, देखो आ जाएगा, ये आ जाएगा, बड़ा होगा तो भी आ जाएगा, छोटा होगा तो भी आ जाएगा। ये ठीक है, ये ठीक है, मैं देख लिया, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रास्ते में जरूरत पड़ गई साहित्या के लिए लाल और हरा पेन लेने के लिए, तो रिया गई साहित्या के लिए लाल और हरा पेन लेने के लिए, और पनीर लेना था तो सोसाइटी की ही दुकान है, अपनी घर के पास ही है, तो यहाँ से पनीर लेने के लिए गई, तो जस्ट आ गई, तो अब हम चलते हैं घर को, पनीर ले लिया हमने, पेन ले लिया, सारा शॉपिंग वगैरह कर लिया। तो गाइज आज है वीकेंड, और वीकेंड पे कुछ नॉनवेज वगैरह खाने का मूड होता ही है, तो अभी प्रिंस का मैसेज आया था, प्रिंस आ रहा है तो वो नॉनवेज लेके आ रहा है, तो हम बनाएंगे नॉनवेज और करेंगे मस्ती, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। और इधर साहित्य है, इसको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो ये कह रहा है कि मैं डायरेक्ट अब जाके स्कूल में ही पढ़ूंगा। इधर इधर आइए, बताओ क्या कह रही हो पीयू, बताओ क्या कह रही हो? पहले जब हम गेम खेलते हैं यहाँ आके बताओ, हाँ बताओ, बताओ क्या कह रही हो? हाँ इधर देख के, ठीक है। तो गाइज हम लोग आ गए यहाँ पे, मैं साहित्या पीहू कोको मासी खेलेंगे, और पीहू हमें रूल बता रही है कैसे खेलते हैं। हाँ आगे अगला रूल बताओ। सो गाइज रात के बज रहे हैं 12:30, हमने ढेर सारे वॉक कर लिए, बैडमिंटन भी खेल लिए, कोको मासी बच्चों के साथ हमने खेला, बहुत सारा एंजॉय किया पार्क में, कम से कम हमने एक घंटा तक वो लुका छुपी टाइप कोको मासी क्या खेले बच्चों का, हमने सारे खेले, बड़ा एंजॉय किया। और अभी जस्ट बैडमिंटन खेल के मैं घर पे आया हूँ, तो 12:30 हो गए हैं, तब हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।